केवल वहाँ से स्विच ऑन करना है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। मशीन को ऑपरेट करने के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत होता है ना, पहले इलेक्ट्रिक हो गया है ना, फिर उसको हो गया पानी, पानी की ज़रूरत होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट जो स्टेरियन सी इसको बोलते हैं ना, जो केमिकल डलता है, ठीक है, ये स्टेरियन सी हो गया। अब क्या है, मशीन ऑपरेट करने के लिए बस तीन चीज़ अवेलेबल हो गया, मशीन ऑटोमेटिक वर्क करेगा। आगे सर कैसे काम करता है, पहले क्या करता है, मशीन पानी लेता है ना, रोबोटर से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है सर, पानी लेकर के पानी को प्योरीफाई करता है, ये प्योरीफाई करके इस टैंक में स्टोर कर देता है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोपिक, ठीक है, इसमें स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद ये पानी फिर मशीन लेता है द्वारा, ठीक है सर, मशीन द्वारा पानी लेता है, और पीछे इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है ना, जहाँ पे मेन वर्क काम करता है मशीन का, इलेक्ट्रोलाइट और ये स्टेरियन सी, ठीक है, वहाँ पे जाके रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का पानी ले सोल्यूशन आके बना के तैयार इसमें कर देता है, इसको बोलते हैं स्टेरियन सोल्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेरियन सोल्यूशन सर। अब इसी सोल्यूशन का यूज हम लोग बहुत टाइप का यूज़ करने के लिए, जैसे अप्लीकेशन ऑफ स्टेरियन सोल्यूशन, ठीक है सर। अब इसका यूज कैसे करेंगे, एरियल फॉर्मिगेशन के थ्रू, इसके साथ में एक फॉर्मिगेशन मशीन दिया हुआ सर, इससे का लिक्विड निकाल के उसमें डाल देना है सर, इसमें डाइल्यूट नहीं करना है, 1:1 ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट पानी लीजिए, सॉरी सोल्यूशन लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, इसमें कोई पानी की जरूरत नहीं, ठीक है, सोल्यूशन ले लिए, अब उसमें डाल दीजिए। आप ना 30 मिनट के लिए जो ओटी है, या फिर आपका लेबर रूम हो गया, जो आपका एरिया हो गया, जो इन्फेक्शन एरिया हो गया, वहाँ पर 30 मिनट चला दीजिए, रूम को बंद कर दीजिए, 30 मिनट चलाने के बाद आप ना फिर उसके बाद बंद कर दीजिए, और आपको ना 45 मिनट में टोटल, सॉरी 15 मिनट रूम को बंद कर दीजिए, फिर 45 मिनट में आपको स्टेशन कंप्लीट करके दे देगा, ठीक है, कितना फास्ट है। पहले क्या करते थे, फॉर्मल्डिहाइड के यूज़ करते थे, उससे तो होता सर आपकी आँखों में इचिंग होता था, सांस लेने में दिक्कत होता, उससे सर कैंसर का भी बहुत ही है, तो WHO ने उसको बैन कर दिया गया, ठीक है, तो उसके जगह पर ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्टेरियन सोल्यूशन, ठीक है, मतलब 45 मिनट में हम लोग उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं फिर ओटी, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया इक्विपमेंट सर्किट डिसइंफेक्शन, ठीक है, जितना भी हमारा मशीन का हो गया पार्ट पुर्जा जो भी हो गया ना, उसको आप उसको डुबो दीजिए 10 मिनट इस पानी में, ठीक है, उसके बाद निकाल कर उसको चारों तरफ साफ कर दीजिए, वो कार्बोलाइजेशन का काम हो गया आपका, ठीक है। फिर प्लास्टिक मेडिकल डिवाइस हो गया, जितना ये सोल्यूशन से कार्बोलाइज भी कर सकते हैं, जी जी, इंस्ट्रूमेंट भी इसमें डाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी, हाँ, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे पहले आपने यूज करते थे ये ब्लीचिंग का एपोक्लोराइड बोलते हैं उसको, सोल्यूशन और ब्लीचिंग घोल मिलाने की जरूरत होता था, पानी कितना मात्रा में डालना वो था, ठीक है, प्लस में वो कितना देर में खत्म भी हो जाता है, ये भी है ना, 10 मिनट 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है ना, उसका अगर यूज कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर खत्म हो गया, लेकिन उसके जगह आप इसका यूज कीजिए, वो हाइपोक्लोराइड है वो, ठीक है, ये हाइपोक्लोरस है, आप कभी कंपेरिजन कर लीजिएगा, ठीक है, हाइपोक्लोरस बहुत हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, तो इसमें ना मिलाने की जरूरत है घोल, ना पानी मिलाने की जरूरत है, डायरेक्ट लीजिए, इसको यूज कीजिए, मशीन बना के सिस्टम सारा कुछ बना दिया, हाँ सारा कुछ बना के इसमें स्टोर कर रहा, उसके बाद ये बहुत फास्ट है, एक घंटे में 40 लीटर बना के कम्प्लीट कर देगा मशीन, इतना फास्ट है, आप कितना यूज कीजिएगा, आप निकालिए ले जाइए, एक घंटे में चालीस लीटर बना के दे देगा आपको, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर हाउस कीपिंग हो गया, जितना भी और टेबल कुर्सी एनीथिंग्स कुछ भी हो गया उसको भी इसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना मॉपिंग के लिए, जैसे हो गया फ्लोर सेंसिटिव एरिया हो गया और नॉन सेंसिटिव हो गया, नॉन सेंसिटिव एरिया जैसे आपका बरामदा हो गया, सेंसिटिव हो रहा आपका जैसे ओटी बैग हो गया या आपका ही हो गया, तो इन चीज़ों के लिए मॉपिंग के लिए इसको निकाल लिया, ठीक है। और इसको डाइल्यूशन करने के लिए ना, इसको 1 लीटर पानी डाल लीजिए या 1 लीटर ले लीजिए, बस में इसका करके यूज कर लीजिए आप, तो बहुत फास्ट है, मतलब ये नहीं कि आपको किसी के वेट करना पड़ेगा किसी चीज़ का, या फिर आपको वहाँ से लाना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर या कुछ और भी, फिनाइल के लिए भी होता है कि स्टोर से यूज़ करवाई तो ये करवाई, इसमें सीधे सीधे आपको बना हुआ है, आप निकाल के इसको यूज करवाइए, ठीक है। हाँ, पोछा लगाने के लिए नॉन सेंसिटिव एरिया भी हो गया ना, वो उसमें है क्या कि 1 लीटर ले लीजिए, 2 लीटर पानी मिला दीजिए, उसको साफ कर दीजिए चारों तरफ, हो गया, तो इसका इतना फास्ट है। इसके साथ में ये हैंड सैनिटाइजर जो यूज़ करते हैं आप, ये स्प्लिट बैग रखा, आपको पता होगा कि 30 सेकंड में वायरस बैक्टीरिया जो है ना, वायरस 30 सेकंड में मरता है, बैक्टीरिया स्पोर्ट्स वगैरह 5 मिनट में मरता है, तो आपको लगता है कि 5 मिनट या 3 मिनट आपको हाथ में रुक पाता है वो स्प्लिट, नहीं रुक पाता, लेकिन आप इसका यूज कीजिए, ये आपको जितना देर तक चाहिए उतना देर तक रुकेगा हाथ में, ठीक है। इसको रुमाल से साफ भी कर लीजिएगा तभी इसका ये मॉइस्चराइजेशन तो रहता ही ना सर, जितना देर तक रहेगा बैक्टीरिया वायरस किल हो जाएगा, स्पोर्ट्स को भी किल करता है, समझिए कितनी बड़ी चीज़ है ये चीज़, स्पोर्ट्स के लिए अभी तक कुछ है नहीं आपके यहाँ, ये जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो भी स्पोर्ट्स नहीं मारेगा, लेकिन ये स्पोर्ट्स मारेगा,
कि 5 मिनट में ऑटोक्लेव में भी स्पोर्ट्स नहीं मतलब। जी तो ये आपको ना केवल वही है कि 5 मिनट में किल कर देगा वो समझ गया स्पोर्ट्स को, तो बहुत टाइप का यूज है। अब ये हैंड सैनिटाइजर के लिए आप इसको यूज़ कीजिए, उस स्प्रिट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीपल यूज़ के लिए, पोछा लगाने के लिए, हैंड सैनिटाइजर के लिए, कार्बोलेशन के लिए, अस्टरेशन के लिए, फिर मोपिंग के लिए हो गया, फ्यूमिगेशन के लिए, मल्टी टाइप का यूज एक ही से कर सकते हैं और किसी की जगह ज़रूरत नहीं आपको। इतना होने के बावजूद भी लोग नहीं पता है तो नहीं कर पाते हैं इसका, ये है। तो ये है इसके बारे में, मशीन लग गया है लेकिन पता नहीं है कि इसको क्या क्या चाहिए यूज।